बी फिल्म्स डिजिटल मीडिया से मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी। आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित जी हैं। उनकी फिल्म सुनो ससुर जी अभी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। आइए जानते हैं फिल्म सुनो ससुर जी के बारे में ऋचा दीक्षित से। मैम वेलकम टू फिल्म डिजिटल मीडिया। थैंक यू। ऋचा मैम आप पहले बताइए सुनो ससुर जी मतलब नाम ऐसा सुनो ससुर जी ऐसा रखा है, फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? फिल्म के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिल्म का जो टाइटल है सुनो ससुर जी वो इसलिए है, तो हीरो का जो काम है वो ऐसा ही है कि सुनो ससुर जी। विट मीन्स कि जो हमारे हीरो हैं ऋषभ कश्यप, तो उनका ही है मेरे पापा को एग्री करना, तो पूरा जो है सुनो ससुर जी मतलब मेरे पापा को कन्विंस करना। फिल्म का भी ट्रेलर रिलीज हुआ और बहुत ही ज़्यादा हिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, और वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, दर्शकों को हमारा सुनो ससुर जी का ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी बहुत ही अच्छी जाएगी। और फिल्म हमारी बहुत अच्छी शूट भी हुई, हमारे डायरेक्टर शुभा राव सर एंड प्रोड्यूसर इकबाल मखानी एंड राजकुमार जी, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करी है, तो मेहनत तो रंग लाती है, तो वही रंग ला रही है। और फिल्म में गाने भी बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए मतलब? हाँ, गाने बहुत अच्छे हैं और एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मार देव गोली तोरा बाप के। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है और हमने अच्छा काम किया है, अच्छे से किया है। तो ट्रेलर में स्टार्टिंग में ही वो आप गोली शूट करती है, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? रियल लाइफ नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं रियल लाइफ में जस्ट अपोजिट हूँ, मैं गोली बारूद कुछ नहीं बिल्कुल डरती हूँ। और फिल्म में आपके वो पिता का रोल किए हैं अवधेश मिश्रा जी, जो कि बहुत ही बड़े खलनायक हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? हाँ, अवधेश मिश्रा जी के बारे में मैंने भी सुना था कि जैसा आपने बोला बहुत बड़े खलनायक है, बट बहुत अच्छे इंसान है वो, मतलब बहुत ही इनोसेंट है वो। और क्या होता है कि जब अपने ऊपर डिपेंड होता है ना कि हम अच्छे तो हमें सब लोग अच्छे दिखते हैं, हम बुरे तो हमें सब लोग बुरे दिखते हैं, तो मुझे मेरे साथ तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बाकी नहीं पता। बी फिल्म डिजिटल मीडिया को आपने अपने कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।